महंगाई का तूफान आया है, हमारी वो तनख्वाह भी जो है वो काफी नहीं रही है, मगर फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस इत्तेफाक इत्तेहाद से जो चीजें हमने ली हैं प्राइवेट सेक्टर को वो नहीं मिली है, जेब में रखी है। वो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अनाउंस हो, अगले साल बजट हो 10% तनख्वाही हो, हमने उसको 15% करवाया, फिर उसके अगले साल मार्च में दोबारा से 15%, पांचवे एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना, जिसमें जो पेंशन के ऊपर हमारे साथी जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन आल्टो के सूबे के मुताबिक नहीं हुई, टेक्निकल और दीगर साथी हमारे डिप्राइव थे, ग्रेड 1 से 5, 2 से 6, 6 से 15, 1, मगर उसके अंदर भी ये जहन में रखे, ये कामयाबियां भी हैं और मंशूर भी है हमारा। मंशूर ये है कि हमने सूबे के मुताबिक अपग्रेडेशन तो करवानी है, और ये जो दो दो स्केल दिए गए हैं ये एक एक स्केल है, आपको पता होगा मेरे ख्याल में मशहूर साहब, कॉल्स अगर फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे कर लिए जाए तो बेहतर होगा, आपसे बात करने के लिए यहां पे हाजिर हुए हैं कि हमने ये अलाउंसेस भी जो मौजूदा स्केल है उसके मुताबिक लेने। सबसे बड़ा खतरा आईएमएफ का वफद आया हुआ है, 8 अगस्त को समरी गई थी पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे, जो एक सरकारी मुलाजिम की जमा पूंजी है उसके ऊपर डाका डलने जा रहा है। सोशल मीडिया से ये मेरा मैसेज तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन तक पहुंच रहा होगा कि कमर कस ले, पंजाब के मुलाजमीन के ऊपर ऑलरेडी लीव इनकैशमेंट की सूरत में डाका डल चुका है, आज तो कि हम उसमें गिरफ्तार भी हुए तमाम मामलात, और मौजूदा चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से हमसे वादा भी किया। बहुत से साथियों को इख्तलाफ भी था कि इलेक्शन से पहले आप किस हैसियत से उनसे मिले, उनके पास तो कोई ओहदा नहीं था, मगर ये आपकी लीडरशिप का विजन था और दूरंदेशी थी जो हमें नजर आ रहा था कि हमने वहां पे जब उनसे मिले तो बहुत से साथियों को ये जवाब मिल गया होगा कि किस हैसियत से उनसे मिले थे। मौजूदा चीफ मिनिस्टर से हम इलेक्शन से पहले मिले थे और उनके वादे रिकॉर्ड के ऊपर है, और एक चीज बहुत वाजे कर दूं कि मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है कि पंजाब के मुलाजमीन की लिव इन कैशमेंट का मसला हर सूरत में हल होगा, पेंशन रिफॉर्म्स जो है इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हमने पहरा दे रहे हैं, और आपने जहां पे जरूरत पड़ी आपने साथ भी देना है, बिल्कुल ये जहन में रखें कि जहां पे मेरे किसी भी मजदूर मुलाजिम भाई के हक पे डाका डला, सबसे पहला फर्ज ये मैं साबित भी कर चुका हूं 10 फरवरी 2021 को जेल जाने के हवाले से, हालिया बजट हो जब गिरफ्तारी हुई या पंजाब के अंदर पंजाब के दीगर कायदीन के साथ, सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी, खुदा की कसम आपके और अपने बच्चों के हकूक के ऊपर किसी को किसी सूरत में डालना नहीं। मगर उसके लिए जरूरी है कि हम इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, जो मेरे लाइफ माइंडेड साथी हैं, जो मेरी एक कॉल के ऊपर ना दिन देखे ना रात देखे ना वफाक देखे ना सुबह देखे मेरे शाना बशाना चले, आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपने उन साथियों का भी साथ देना है, उन कायदीन का भी साथ देना है, आपने मेरा बाजू बनना है, अगर आप मेरा बाजू बनेंगे जिस तरह से पहले बनेंगे हम बरात हासिल कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला आपका हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंशन हाउस जो केन पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी 10-10 12-12 साल
होते हो तो वहीं पे रुका हुआ है, मगर हायरिंग की बात की जाए तो इस वफाक की बात करें तो एज पर रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस 2001 25% इजाफा ये ऑर्डिनेंस है वफाक के अंदर के हाउस रेंट जो किराए हैं उसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा कानूनी किराएदारी की बात की जाए। हायरिंग के अंदर तो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, गुज़िश्ता से 2021 में 25% इजाफे की बजाय 44% किया गया था, हाउस रेंट उधर ही मौजूद है। पेट्रोल जब 66 रुपए लीटर था यही हमें कन्वेंस अलाउंस मिल रहा था, जो अब 276 रुपए लीटर पेट्रोल है कन्वेंस अलाउंस उतना ही है। महंगाई की बात करें ओवरऑल वो तो चल रहे हैं, मेडिकल के हवाले से भी यही मामला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज को आप वफाकी सेक्रेटरीट हो CDA हो या दीगर इदारे हो आपका स्पोर्ट्स बोर्ड हो ग्रेड 17 से ऊपर तो 150% इंजेक्टिव अलाउंस मिल गया है। अब बारी आप लोगों की है ग्रेड 1 से 16 की चल रहा है। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा कि जब हम हुकूमत को ये मैसेज देने के अंदर कामयाब रहे जो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेड लाइन्स का रिकॉर्ड भी है कि अगर ये हमारे जायज आईनी मुतालिबात जो है तस्लीम ना किए गए तो हम भी पुरअमन रहते हुए बहसियत सरकारी मुलाजिम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पुरमन धरने का हक जो है वो महफूज भी रखते हैं, पहले साबित भी कर चुके और मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से ऐसा इकबाल साहब से इंशाल्लाह ताला जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के हमारी मुलाकात मुतवक्को है, हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी उनके सामने पेश करेंगे। सख्त तरीन जिनसे हमें खतरा था मुलाजमीन की दुआएं जो है अल्लाह का शुक्र है काम आई। इसहाक प्यार साहब जो है वजीर खजाना नहीं रहे और ये वक्त ने साबित किया। हफीज शेख साहब कहां गए, शौकत अली साहब ने हमें रिलीफ दिया जिन्होंने अच्छा काम किया हम कहेंगे। मिस्टर इस्माइल साहब 17 से ऊपर को जो है मरा दे गए, कहां पे गए नहीं पता। अभी सागर साहब सबसे फेवरेट थे फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, मगर जो मजलूम और गरीब की बदुआ है ना वो अर्श की ला देती है और फर्श वाले देखे लुढ़कते लुढ़कते किधर से किधर पहुंच गए। अपने सफों पे इतिहाद पैदा रखे, रमजान अप्रैल उसके बाद मई और फिर जून। मुझे उम्मीद है कि नॉन CPA होते हुए जिस तरह से आपने साथ दिया अंजुम गुजर का, अगर ये जीतेंगे आप लोग जितवाएंगे इनको तो भरपूर तरीके से हम अपनी मुहिम जो है उसको आगे भी चला सकेंगे और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निशकारी के हवाले से, पोस्ट ऑफिस की निशकारी के हवाले से PIA तो देखे हमारा उससे लेना देना नहीं है। जो जो मेरे इत्तेहाद में शामिल था ये मेरा आपसे वादा है कि निशानी की तरफ कोई भी इदारा जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको मौजूद होंगे। मुझे सिर्फ आप इतना बताएं हाथ खड़ा करके कि अपना हक लेने के लिए तैयार है, लड़ोगे मरोगे अपने हकूक का दिफा करोगे, खुदा की कसम आपके हकूक के लिए अपने बच्चों के हकूक के लिए एक इंच पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, भाजपा तो कदम बढ़ा चुका आपने, नारे मेरे तो लगते रहते हैं मैं नारा लगाऊंगा और जवाब आप देंगे। अंजुम गुजर जिंदाबाद, अंजुम गुजर जिंदाबाद, अंजुम गुजर जिंदाबाद। वादा करें हाथ उठा के स्पोर्ट्स बोर्ड के
पाकिस्तान वोट वोट से वोट देके कामयाब कर रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद।